हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फैन मंगा के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 1 ग्रनोला फैन मंगा का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये फैन मंगा स्टार्ट होती है लॉर्ड बीरस के पनिशमेंट से। ज़ेनोसामा लॉर्ड बीरस को पनिशमेंट दे रहे होते हैं। ज़ेनोसामा की पनिशमेंट से लॉर्ड बीरस बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। ज़ेनोसामा बोलते हैं उनको, उठो बीरस, खेलने का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। वीस बोलते हैं बीरस को, आपने उनको सुना ना माय लॉर्ड, अभी उठिए और उनके साथ खेलिए। लॉर्ड बीरस वीस को बोलते हैं, तुम वहाँ पर खड़े होके ये सब कैसे देख सकते हो वीस? कसम खाता हूँ वीस, गोकू को इस सब के लिए बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अभी वो इडियट क्या कर रहा है? क्या वो मीरस के साथ पार्टी कर रहा है? इसी हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, हम सीधा अर्थ पे जाने वाले हैं। एंड गाइस, ज़ूमनी किंग बोलते हैं लॉर्ड बीरस को, अगर तुम नहीं उठे और हमारे साथ नहीं खेला तो मैं यहीं पे रेस कर दूंगा। एंड गाइस, बीरस बोलते हैं कुछ करो वीस। देन जो वीस होते हैं वो अपनी छड़ी में देखने लग जाते हैं कि गोकू और वेजिटा इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। देन गाइस, वीस बताते हैं लॉर्ड बीरस को, लगता है कि गोकू और वेजिटा फिर से अर्थ पर कोई ना कोई अजीब सी सिचुएशन में फंस गए हैं। बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग है उस बंदे के बारे में जो कि गोकू और वेजिटा पे अटैक करवा रहा है। उसका नाम शायद ग्रनोला है और वो अपनी एनर्जी को दूसरों से छुपा रहा है, पर क्यों? इस बैटल के बारे में कुछ ना कुछ तो बहुत अजीब है और ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। एंड गाइस, हमें दिखाया जाता है अर्थ का सीन जहां पर गोकू और वेजिटा फाइट कर रहे होते हैं OG-73 क्लोन से। एंड गाइस, गोकू बोलता है वेजिटा को, ये तो आते ही जा रहे हैं, वेजिटा तू इनसे कैसे फाइट कर रहा है, इनको अपने आप को ग्रैब मत करने देना। वेजिटा बोलता है गोकू को कि तू अपने बारे में चिंता करके ये सारे तेरी पावर ना ले ले और मेन शिप के पास ही रह के फाइट करना। एंड गाइस, हमें दिखाया जाता है गोहान, गोहान की पावर स्टोल कर ली होती है एक ओजी सोल्जर ने और गोहान बहुत ज्यादा सरप्राइज होकर बोलता है एक और ओजी। देन गाइस, गोहान बोलता है तुम सब मरे कैसे नहीं, डैड हम इन सबको संभाल लेंगे, मैं और पिकलो मिलकर इन सबको आपके लिए संभाल लेंगे, आप दोनों ग्रनोला के शिप पे जाइए। देन गाइस, गोकू फाइट कर रहा होता है ओजी सोल्जर से, वो बोलते हैं वेजिटा को, तू ना सुन लिया ना वेजिटा, हम दोनों ग्रनोला के पास चलते हैं, बाकी सब इन सबको संभाल लेंगे। देन गाइस, गोकू किक करता है एक ओजी सोल्जर को और बोलता है हम तुम सबको अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे, चाहे तुमने हमारी पावर कॉपी किया हो चाहे नहीं। देन गाइस, हमें दिखाया जाता है ग्रनोला और OG-73। ग्रनोला बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये हर एक मिनट के बाद एक कदम आगे आते जा रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था और सनगोकू के पास है वो पावर जो कि हमें चाहिए, जैसे ही वो पावर मेरे पास आ जाएगी ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे रोक पाएगा। देन गाइस, 73 बोलता है ग्रनोला को, मुझे बैटलफील्ड के बाहर एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है। देन गाइस, ग्रनोला रिप्लाई करता है बैटलफील्ड के बाहर से, वो कहां से आ रहा है, इतना तो पक्का है कि वो इन सब में से नहीं है। देन गाइस, ग्रनोला के पास से एक बुलेट जाती है, गनशॉट जाता है, ग्रनोला बोलता है गनशॉट ये कहां से आया। गाइस, ग्रनोला पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दिखते हैं एंजल मीरस। ग्रनोला बोलता है बिल्कुल, मुझे पता होना चाहिए था कि ये इसकी तरफ से ही आ सकता है, पर ये यहां पे क्यों आया है। देन गाइस, मीरस आता है शिप से बाहर और ग्रनोला बस ये सोच में होता है कि इसने अगर मोरो से फाइटिंग किया तो ये जिंदा क्यों है, इसको तो मर जाना चाहिए था। देन गाइस, OG-73 फाइट में इन्वॉल्व होना चाहता है पर उसको जो है ग्रनोला रोक लेता और बोलता है कि तुम एंगेज नहीं होगे फाइट में, जहां पर हो वहीं रुको, ये हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है, मुझे तुम्हें जरूरत पड़ेगी दूसरों से फाइट के लिए, गोकू की पावर को बाहर लाना जरूरी है और ये बस तुम ही कर सकते हो, पर इससे तुम्हारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी जैसा कि मोरो की हुई, मैं रिस्क नहीं ले सकता तुम्हें अभी भेजने का। एंड गाइस, मीरस आ जाता है बैटलफील्ड में और बोलता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ के लोगों को और अर्थ को अटैक नहीं कर सकते। एंड गाइस, ग्रनोला बोलता है हमेशा की तरह पागल मीरस, तुम्हें अभी यहाँ देखने की जगह कहीं और देखना चाहिए। एंड गाइस, हम लोग देखते हैं कि एक ओजी सोल्जर मीरस की एबिलिटीज को कॉपी करने के लिए आ रहा होता है पर उसको वेजिटा बचा लेता है और मीरस बोलता है वेजिटा को थैंक यू वेजिटा। एंड गाइस, वेजिटा पूछता है मीरस से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गए। एंड गाइस, मीरस रिप्लाई करता है वेजिटा को, हम ट्रैक कर रहे थे इसकी लोकेशन और जैसे हमें पता लगा कि एयर पर आया है मैं इसको अपने से दूर नहीं जाने दे सकता था। गाइस, कुकू फाइट कर रहा होता है ओजी सोल्जर से, वो बोलता है गोहान और पिकलो को, गोहान पिकलो तुम लोग यहाँ से इसको संभाल लो, हम ग्रनोला के पास जा रहे हैं। देन गाइस, ग्रनोला बोलता है मीरस को काफी टाइम हो गया मुझे तुम्हारा पागलों वाला फेस देखे, क्या तुम अभी भी ऐसा दिखाते हो कि तुम एक कॉप हो, तुम्हें तुम्हारी जगह पता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगा, मैं वो पावर तुम्हारे अंदर फील नहीं कर पा रहा, इसका मतलब होता है कि वो पावर तुमसे ले ली गई है, पर तुम जिंदा कैसे हो। देन गाइस, मीरस बोलते हैं ग्रनोला को मुझे फोर्स मत करो ग्रनोला, यहाँ से एक सही काम करो और वापस चले जाओ, इसको और आगे तक मत लेके जाओ और ये तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है। देन गाइस, गोकू बोलते हैं मीरस को क्या तुम उसको जानते हो मीरस, उसका प्लान क्या है। गाइस, वेजिटा बोलता है गोकू को उसके पीछे देखो क्या करो, शायद वही है असली OG-73। गाइस, गोहान बोलता है पिकलो को, पिकलो हमें उन सबका ध्यान डैड और वेजिटा से हटाना होगा। गाइस, मीरस बोलता है गोकू और वेजिटा को मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, लालच और अपमान ने इसको ऐसा बना दिया और मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। देन गाइस, ग्रनोला बोलता है मीरस को क्या तुम इन सबको असली सच्चाई बताओगे छोटे भाई। एंड गाइस, चैप्टर 2 का पार्ट 1 यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। गाइस, यहाँ पर जो फैन मांगा में दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि ग्रनोला और मीरस है भाई भाई, मीरस जो है ग्रनोला का छोटा भाई है। तो गाइस, अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज के पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।